हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं XTK97। मेरे कुछ पार्सल्स आए थे तो मैंने सोचा ये सारे आपके साथ खोल लेती हूँ। मुझे भी नहीं पता मैंने क्या क्या ऑर्डर किए थे। तो ये सारे पार्सल्स, ये मैंने वैसे कुछ घर की ज़रूरत की ही चीज़ें मंगाई होंगी क्योंकि ईद आ रही है। देखते हैं क्या क्या है। पहले ये मिंत्रा वाला पार्सल ओपन करते हैं। अभी मुझे आधा दिन तो से खोलने वाली है। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करा करिए प्लीज़ फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके तो फ्रेंड्स, एक, दो, तीन, सो फ्रेंड्स मैंने ये चार कलर मंगाए हैं। हेयर कलर रेवोल्यूशन का है ये, और ये शेड है डार्क ब्राउन 3N। मम्मी के लिए मंगाया है फ्रेंड्स, ऑब्वियसली मेरे वाइट हेयर्स नहीं है। तो फ्रेंड्स ये 215 का, बट मुझे लगता है ये मुझे 115 का मिला है। 100 रुपीज़ ऑफ थे तो मैंने ये चार मंगा लिए क्योंकि मम्मी लोगों को सबकी चाहिए होता है। तो पहले पार्सल में ये था, आप देखते हैं दूसरे में क्या है। सो फ्रेंड्स दूसरा पार्सल ओपन करते हुए, ये भी फ्रेंड्स मैंने जो मंगाया था मिंत्रा से ही मंगाया था। तो मैं पहले मिंत्रा के ओपन कर देती हूँ, पता चल जाएगा मुझे मिंत्रा वालों को मैंने क्या मंगाया था क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ मैंने अब तक क्या मंगाया था। एक तो फ्रेंड्स इतना बवाल घर के भेजते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसमें भी कलर निकला है। शायद मैंने मिंत्रा से चार कलर मंगाए थे, नहीं पाँच हो गए फ्रेंड। तो मैंने ये पांच का सेट मंगाया था, पता नहीं ये मुझे अलग क्यों भेजा है। तो आप फ्लिपकार्ट पे आते हैं, देखते हैं फ्लिपकार्ट पे मैंने क्या क्या मंगाया। फ्लिपकार्ट से ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने कुछ नहीं मंगाया। पैकेजिंग बहुत अच्छी आई है फ्रेंड। ये मैंने, मुझे खोलने से पहले ब्रांड देखते ही पता चल गया, ये अरोमा मैजिक का फेशियल है। ये बहुत अमेजिंग फेशियल होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये प्रॉपर फेशियल किट आई है, इसमें 7 स्टेप होते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी है, और ये मुझे पड़ी है ये 190 की, और मुझे 190 में पड़ी। अब खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल फ्लिपकार्ट का। ये फ्रेंड ये अच्छी बहुत, इस टाइम मैंने काफ़ी डील्स देखी हैं फ्लिपकार्ट पे जो चल रही हैं। तो आप भी देखिए और देखिए कुछ अच्छा। बस मेरा जो ये है किट फेशियल की, वो डिस्काउंट में नहीं है, वरना ज़्यादातर चीज़ें मैंने डिस्काउंट में ही मंगाई हैं। फ्रेंड ये मैंने मंगाया है 1 kg का शैम्पू, क्योंकि क्या होता है मैं बार बार नहीं मंगाती हूँ अपनी मम्मी के घर के लिए, क्योंकि मैं ही शॉपिंग करती हूँ। तो मम्मी के लिए मैं एक बार में मंगा देती हूँ, क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि आप ना मंगाएं, मैं भूल गई तो मम्मी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये मंगा देती हूँ। और फ्रेंड ये है 1000 रुपीज़ का, और मैंने सिर्फ इसे शायद 550 में मंगाया। तो ये बहुत अच्छे डिस्काउंट में था फ्लिपकार्ट पे। आप प्लीज़ जल्दी से चेक करिए क्योंकि कुछ टाइम तक सेल थी, तो आपको मिल जाएगा अभी ये। ये सब सब बिग और लास्ट पार्सल खोलते हैं फ्रेंड, देखते हैं इसमें क्या है। ओके तो ये इतनी अच्छी टेपिंग करके देखना है ना, आसानी से पार्सल नहीं खुलता। सो फ्रेंड्स मैंने पार्सल ओपन कर लिया है, तो मैं दिखाती हूँ। इसमें मैंने किचन के बॉक्स मंगाए हैं फ्रेंड्स, क्वालिटी में भी अच्छी है। ये कुछ 2000 का सेट था जो मुझे शायद 500 या 800 में पड़े। पर फ्रेंड्स एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, इस ये नए बॉक्सेस हैं और इस पर इतने स्क्रैच निकले हैं बहुत ज़्यादा। मैं सब चेक करती हूँ, सब पे स्क्रैच है फ्रेंड्स, को मुझे ये रिटर्न में ही डालना पड़ेगा। ये आई थिंक सारे बॉक्सेस पर फ्रेंड्स स्क्रैच है, तो ये मुझे रिटर्न में डालना पड़ेगा। क्वालिटी में इतना बुरे नहीं है, बट ये जो स्क्रैच है ना, ये बहुत चीप लग रहा है। इससे ऐसा लग रहा है बहुत चीप क्वालिटी के मैंने बॉक्सेस खरीदे, और अच्छे खासे ये महंगे थे 1000 रुपीज़ के। तो मैं इससे रिटर्न में डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड फ्लिपकार्ट का और सब सामान मुझे अच्छा लगा, मेरा वैसे भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा था जैसा इन्होंने अच्छे रिव्यूज़ थे, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, ऐसे ही होगा। तो फ्रेंड मैं तो सजेस्ट करूँगी कुछ ऐसे बॉक्स वगैरह ना मंगाए, ये मुझे बहुत बेकार लगे।
अब देखते हैं ये रिटर्न में जाता है या नहीं, क्योंकि मुझे कपड़ों का पता है वो चले जाते हैं, इनका नहीं पता ये रिटर्न में जाएगा या नहीं, तो मैं देखती हूँ फ्रेंड। अदरवाइज ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हैं तो बहुत सारे बट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो कोई मतलब नहीं होता। और फ्रेंड आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।